जागरूकता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक समारोह में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 वर्ष के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में खाई को पाटना है। किसी भी तरह की बीमारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। अन्य जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा प्रवेश मार्गों पर मौजूदा 33 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में सुविधाओं को मजबूत करना है।
इससे बीमारियों का पता लगाने, जांच, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने तथा रोगों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष है, जो उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए आरोग्य संबंधी 2 सौगात लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि सिद्धार्थनगर में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया जा चुका है और कुछ ही क्षणों में वाराणसी में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में चिकित्सा महाविद्यालयों के खुल जाने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस रोग से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का नया केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने कल्याण योजनाओं को अमल में लाने के लिए केंद्र से सहयोग नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार का ध्यान उन पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने पर रहा है, जो नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और नए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास का नया युग शुरू हो चुका है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज गंदरबल जिले के खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे। इससे पहले उन्होंने जम्मू के मकवाल सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया और जवानों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा करेगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बताया है कि केंद्र ने त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के वास्ते कई कदम उठाए हैं। देश में अब तक 1,02,31,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,31,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,762 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने की दर 98.18% हो गई है। अब तक 3,35,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 14,306 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 1,67,000 लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमण की दैनिक दर 1.43% है।
मंत्रालय ने कहा कि अब तक देशभर में 60 करोड़ 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,07,22,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी उनके पास 12,75,00,000 टीके उपलब्ध हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.com चारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का मेडिकल हब बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना का आधुनिकीकरण तथा किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली हथियार प्रणाली का निर्माण सरकार की प्राथमिकता। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में अब तक 102 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.18% हुई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में महान अभिनेता रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और किफायती तथा उच्च गुणवत्ता वाली हथियार प्रणाली के लिए कई कदम उठाए हैं। आज नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों की गोलमेज सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान रक्षा निर्यात में 334% की बढ़ोतरी हुई है और अब भारत 75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात की उपलब्धि भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिद्वंदिता का प्रतीक है। सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 दिन का यह सम्मेलन एक औपचारिक मंच होगा जहां भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को सैन्य मामले विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप का अवसर मिलेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रक्षा प्रमुख और सेना नौसेना तथा वायुसेना अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे और बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहिन इकबाल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय विचार विमर्श किया है। एडमिरल एम शाहिन इकबाल सप्ताह भर की भारत यात्रा पर हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने कल रात दुबई में अपने पहले ग्रुप मैच में भारत को 10 विकेट से और श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित करवाया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है
विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। पच्चीस अक्टूबर स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह की पुण्यतिथि है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोप में उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को लाल किले में मृत्यु दंड दिया गया। हजारा सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के झांगिलाना गांव के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। जब आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो हजारा सिंह भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वे तीसरी गुरिल्ला रेजिमेंट में हवलदार रहे। हजारा सिंह ने बर्मा युद्ध में भाग लिया जहां उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। देश स्वाधीनता आंदोलन में हजारा सिंह जैसे बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। 25 अक्टूबर 1947 को ही मैसूर रियासत को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मैसूर में महाराजा का शासन रहा, जिसके खिलाफ वहां राजनीतिक संघर्ष जारी था। राजशाही समाप्त करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा मैसूर इलाका जैसे उमड़ पड़ा। कांग्रेस की अपील पर स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ ही स्वयंसेवक भी मैसूर चलो आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने महाराजा को सत्ता छोड़ने और रियासत में लोकतांत्रिक एवं जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए विवश कर दिया। 4 सितंबर 1947 को शहर में बड़ी जनसभा हुई और शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से यहां स्कूल का एक विद्यार्थी मारा गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में जनभावना के सामने मैसूर के तत्कालीन महाराजा जयचमराजा वडेयर को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली। इसके साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के फैसले की घोषणा कर दी। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1947 को मैसूर भारतीय संघ में शामिल हो गया। महाराजा के सिंहासन छोड़ने के बाद 25 अक्टूबर 1947 को केसी रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत केसी रेड्डी मैसूर चलो आंदोलन के अग्रणी नेता रहे और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो 1947 से 1952 तक इस पद पर रहे। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी कादिलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पूरण सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कृत किया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी। बी प्राक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि फिल्में जलवायु परिवर्तन सहित हमारे समय के प्रासंगिक मुद्दों से निपटती हैं। पुरस्कार के विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी बधाई देता हूं जो इन फिल्मों को निर्माण से जुड़े रहे। भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या तमिल या फिर ओडिया या असामी फिल्म हो, अन्य भाषाओं में भी उल्लेखनीय फिल्में बन रही है। भाषाओं के विभिन्नता के बावजूद सिनेमा की अपनी ही अलग भाषा होती है जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिष्ठित दादा भाई फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी। अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। ये समर्पित है प्रसिद्ध शायर और गीतकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अंदाज में जिया। बहुत कम लोगों को पता है कि साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें फिल्मों में लिखे अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उसी वर्ष उनकी शायरी की पहली किताब छपी जिसका शीर्षक था तलखियां। 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब ए लतीफ और शाहकार के संपादक।
1949 में साहिर ने जिस फिल्म के लिए सबसे पहले गीत लिखे उसका नाम था आजादी की राह पर, लेकिन उन्हें शोहरत मिली फिल्म नौजवान के उस गीत से जिसके संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। साठ साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को साहिर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन किसी शायर की जान उसकी शायरी में बसी होती है। जब तक साहिर की शायरी जिंदा है तब तक साहिर लुधियानवी लोगों के दिलों में। प्रस्तुति संदेश के बाद अब एक नज़र आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के चार महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे, श्रीनगर में हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक, गुवाहाटी और आइजोल में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, कहा उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का मेडिकल हब बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना का आधुनिकीकरण तथा किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली हथियार प्रणाली का निर्माण सरकार की प्राथमिकता। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र खाद्य तेलों के भंडारण सीमादेश पर की गई कार्रवाई की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज समीक्षा करेगा। देश में अब तक 102 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए, स्वस्थ होने की दर 98.18% हुई। सेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में महान अभिनेता रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।